ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆସିବା। ଆଉ ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବରକୁ, ମୁମ୍ବାଇର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜା ଟର୍ମିନସ୍ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ନିକଟରେ ଏକ ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 6କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଥିରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ସକାଳେ ଏହି ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ମରାମତି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7:30 ବେଳେ ଏହା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜା ଟର୍ମିନସ୍ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଲ୍ଡିଂ ନିକଟରେ ଥିବା ବିଟ୍ ଲେନ୍କୁ ଏହି ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ସଂଯୋଗ କରୁଥିଲା। ବ୍ରିଜ୍ଟି 1984 ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଦୈନିକ ଏହା ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଗତକାଲି ଏଥିରେ ଏକାଥରକେ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଚଢ଼ିଯିବାରୁ ଏହା ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପରେ ରେଲୱେ ଓ ବିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନାଭିସ୍ ଏହି ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେ और मैं मानता हूं कि यदि सरकार आम मुंबईकरों को एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे, कि आम मुंबईकर को ऐसे हादसा का सामना नहीं करना पड़ेगा भविष्य में, तो सरकार को तुरंत कार्रवाई से कुछ नहीं होने वाला है। सरकार को उन लापरवाही ऑफिसर्स, उन लापरवाही ऑडिटर्स के खिलाफ तुरंत आईपीसी सेक्शन 302 विच अमाउंट्स टू मर्डर, उसके अनुसार एफआईआर दर्ज करना चाहिए। दैट इज द ओनली वे वेयर मुंबईकर्स विल फील सेफ, विल फील अश्योर्ड एंड विल फील द गवर्नमेंट इज नॉट जस्ट गिविंग देम स्टेटमेंट्स एंड एम्प्टी भाषण्स विदाउट एनी एक्शन। कोलैप्स हुआ है, ये अत्यंत गंभीर और दुखद घटना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई है, 2 लोग क्रिटिकली इंजर्ड है और कई लोग घायल है। इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश हमने दिए हैं। विशेष रूप से जो मैंने जानकारी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त से प्राप्त की है, उसमें करीब 1980 में इस ब्रिज का निर्माण हुआ था और पिछले साल जब मुंबई में दुर्घटना हुई थी, उस समय सारे फुट ओवर ब्रिज, चाहे वो रेलवे के हो चाहे महानगर पालिका के हो, इनका एक स्ट्रक्चरल ऑडिट करने का आदेश दिया गया था और इस पुल का भी स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया था। और जो जानकारी मुझे कमिश्नर ने दी है, उसमें इसको स्ट्रक्चरल ऑडिट में फिट पाया गया और कुछ माइनर रिपेयर्स कहे गए थे। उसके बावजूद अगर ये पुल गिरता है और इतनी भीषण दुर्घटना होती है, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चरल ऑडिट के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है और इसकी भी जांच की जाएगी। स्ट्रक्चरल ऑडिट अगर गलत किया गया है, उसका रिपोर्ट अगर ठीक नहीं आया है, उसमें अगर कोताही बरती गई है, तो निश्चित रूप से ये एक सदोष मनुष्यवध का ऑफेंस भी इसमें दाखिल किया जाएगा। ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦାମୋଦର ରାଉତ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଅରୁଣ ସିଂଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ। ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କାର ହେବାର ଠିକ୍ 6 ମାସ ପରେ ଗେରୁଆ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛନ୍ତି ଦାମ। ତେବେ ଦାମଙ୍କ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନକୁ ନେଇ ବିଜେଡି କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି। ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଓ ଜାତିଆଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ଯେଉଁ ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲା, ଆଜି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେବା ବିଜେପିର ନୈତିକତାକୁ ଏବେ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ତେବେ ବିଜେଡିରେ ଥିବାବେଳେ ବିବାଦୀୟ ଚୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦାମଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପରେ ଦାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ବିଜେପି। ଏପରିକି ଦାମ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି। अच्छा दिन है, उड़ीसा के बिजू बाबू के अत्यंत आत्मीय और 60 दशक से लगभग डॉक्टर राउत की बारे में अगर मैं एक शब्द में कहूं, आज उड़ीसा की राजनीति में प्रत्यक्ष बिजू बाबू की विजन को इम्प्लीमेंट करने वाले और लंबे समय से उस आदर्श से चलने वाले जो कुछ वरिष्ठ गिने चुने राजनीतिक व्यक्तित्व
रहे हैं उनमें से सबसे सक्रिय इस विधानसभा में डॉक्टर दामोदर राउत जी हैं। लंबे समय तक उड़ीसा विधानसभा, उड़ीसा की कई सरकार, बीजू पटनायक जी की सरकार हो या नीलमणि राउतरी जी की सरकार हो या बाद में नवीन पटनायक जी की सरकार हो, कई प्रकार की शायद एक दर्जन से ज्यादा विभागों को लंबे समय तक संभालने वाले, विशेष करके राज्य की किसान आदिवासी पिछड़े लोगों की एक हमदर्द नेता के नाम पे जाने वाले डॉक्टर राउत, जो पिछले कुछ महीनों से सरकार से कुछ सैद्धांतिक मुद्दे से अलग हुए थे, उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी की नेतृत्व को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा में मजबूत करने के लिए उन्होंने अपना मन बनाया। मैं उनको दल में स्वागत करता हूं। हम सभी लोग, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे मित्र बैजयंत पंडा जी, महामंत्री अरुण सिंह जी, हमारे विधायक दल के नेता कनक वर्धन सिंह देव जी, पार्टी के चीफ व्हिप अनुराग जी और मेरे मित्र संजय मयूख जी, हम सभी लोग आज पार्टी मुख्यालय में डॉक्टर राउत को पार्टी में ज्वाइन करवा रहे हैं। यहीं से अभी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को मिलने भी जाएंगे उनके निवास पे, उनकी शुभेच्छा भी हमको रहेगा। मैं पुनः डॉक्टर राउत को पार्टी में स्वागत करता हूं। आज के इस सुखद घड़ी पे जो भारतीय जनता पार्टी को अभी अभी ज्वाइन किए, ऐसे डॉक्टर दामोदर राउत जी से निवेदन करता हूं कि आप भी मीडिया के सामने दो शब्द रखें। डॉक्टर दामोदर राउत जी, मैं डॉक्टर साहब को एक एडिशनल अनुरोध करूंगा, एक बार वो अपने इंग्लिश में दो शब्द कहने के बाद उड़िया में भी, उड़ीसा के सारे मीडिया भी हैं उड़िया में, हाँ आप अंग्रेजी में पहले कह दीजिए फिर उड़िया में कह देंगे। अच्छा, परवर्ती खबर को बलांगीर सुरपड़ा स्थित कल्याण मंडप सम्मुखें एक मर्मन्तुद सड़क दुर्घटन में भोर 4 घटे घटी, तेज बलांगीर पटु सोनपुर अभिमुखे आसुवा एक एजबेस्ट बोझे ट्रक सह मुहांमुही धक्का होता। घटनास्थल में जनकर मृत्यु होता बेले अन्य जनक गुरुतर अवस्था उद्धार कर बलांगीर भीमभोई मेडिकल भर्ती कर तेज बाइपास रास्ता जनसाधारण बारंबार दाबी पर भी प्रशासन तरफ प्रति कौन ध्यान दि जाऊना जो प्रतिदिन दुर्घटना घटे चली जनसाधारण चर्चा हो। ओडिशा प्राइम बुलेटिन को यही रखुच्छ, अधिक खबर पर लगन करूँ हम वेबसाइट www.headlinesodisha.com आम फेसबुक पेज www.facebook.com/headlinesodisha लगइन कर अपडेट न्यूज पाइपे। रात 9 रही खबर 9 बुलेटिन को यही रखुच्छ। नमस्कार।